रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। बताया जा रहा है कि ढंडेरा रेलवे फाटक के पास शनिवार देर शाम को रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा हुआ मिला है। सूचना के बाद पहुंची जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने रेलवे ट्रैक पर चेकिंग अभियान चलाया। लोगों का कहना है कि मालगाड़ी के ड्राइवर की नजर रेलवे ट्रैक पर रखे सिलेंडर पर पड़ गई, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि जीआरपी का कहना है कि हो सकता है ट्रेन से सिलेंडर गिरा हो। मनोज जियाल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, अभी तक क्या क्या जानकारी मिली है? बताया जा रहा है कि साजिश यहां पर रची गई ट्रेन को पलटाने की, क्या क्या चीजें मौके से बरामद हुई हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला ढंडेरा रेलवे स्टेशन से कुछ ही आगे का, लगभग 500 मीटर के आगे पर ये पूरा मामला है। और जहां तक हमारी अधिकारियों से बात हुई थी, अधिकारियों का कहना था कि हो सकता है जो सिलेंडर है वो रेलवे ट्रैक या रेल जो यात्री हैं उनसे गिरा हो, किसी का गिरा हो, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि रखा था या गिरा था या खाली सिलेंडर था। फिलहाल पूरी जो मामला है वो पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में है। लोकल जो पुलिस है वो इसका जांच पड़ताल कर रही है, और उसके बाद जो यहाँ पे जीआरपी पुलिस है वो भी इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर सिलेंडर गिरा है या किसी ने रखा। फिलहाल ये जांच का विषय है, और इसके बाद एक पूरा ये बड़ा हादसा हो सकता था यदि जो सिलेंडर है वो भरा होता या कुछ और उसमें कुछ और निकल के आता, लेकिन जो ट्रैक पे है। फिलहाल जांच का विषय के बाद पूरी और जानकारी लग पाएगी। फिलहाल मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, और उसके बाद अधिकारियों से जांच पड़ताल के बाद ये पता लग पाएगा कि आखिर किसी ने रखा था या किसी अन्य साजिश के तहत यहाँ पर रखा। मैं आपको बताऊंगा कि जो ढंडेरा क्षेत्र है यहाँ पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं, स्टेशन पर धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जीआरपी और जो रेलवे है वो इस अलर्ट मूड में नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें अभी जांच पड़ताल के बाद और कुछ निकल कर जो सामने आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका मनोज। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हरिद्वार जेल से दो कैदियों के फरार होने के मामले में एक्शन हुआ है, और हरिद्वार जेल के जेलर प्यारे लाल और डिप्टी जेलर कुंवर पाल समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यालय जेल प्रशासन ने सस्पेंड का आदेश जारी कर दिया है। वहीं जेल से फरार दो कैदियों के पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल को सौंप दी गई। तो जेल के 6 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है, जेलर डिप्टी जेलर समेत 6 को सस्पेंड किया गया, और बताया जा रहा है कि अब जांच चल रही है। हरिद्वार जेल से कैदी के फरार होने का ये मामला है, जिसके लिए अब 6 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है कि उनकी मौजूदगी में कैदी कैसे फरार हो गया। पुलकित शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पुलकित, 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है, 6 लोगों पर एक्शन हुआ है? अजी देखिए, जेल से दो कैदी फरार होने के मामले में जो है कल ये एक्शन हुआ है, और बड़ा एक्शन जेल प्रशासन की ओर से किया गया है। जेल मुख्यालय से 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें सस्पेंड किया गया है, जिसमें जो प्रभारी जेल अधीक्षक थे और उसके अलावा बंदी रक्षक थे, 4-5 उसमें बंदी रक्षक हैं। कुल 6 कर्मचारियों पर ये कार्रवाई हुई है। लापरवाही उनकी जो है प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई है, इसलिए जेल मुख्यालय की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हरिद्वार पुलिस ने भी 10 टीमों का गठन इसमें किया है। जो कैदी फरार हुए हैं उनको तलाशने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है, 10 टीमें बनाई गई है। उसके अलावा SSP हरिद्वार की ओर से एक SIT भी इस पर बना दी गई है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। जो 10 टीमें हैं वो उत्तराखंड के कई जगहों पर और यूपी तक जो है वो लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। जो भी संभावित जगह हो सकती है, संभावित ठिकाने हो सकते हैं फरार कैदियों के, उनकी तलाश की जा रही है कि कहां पर वो कैदी भाग सकते हैं। तो ये बड़ा मामला जो पूरी तरह से कल से लगातार बड़ा मामला ये बना हुआ है, अभी तक इसमें किसी भी तरह का जो सुराग है वो नहीं लग पाया है पुलिस को या जेल प्रशासन को कि जो कैदी है वो आखिर जो फरार वहां से हुए हैं वो भाग कर कहां पर गए हैं। तो पुलिस इसमें लगातार लगी हुई है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी इसमें जांच बैठाई जा सकती है। DM कर्मेंद्र सिंह भी कल निरीक्षण के लिए जब पहुंचे थे, उन्होंने कहा था विभागीय जांच होगी और मजिस्ट्रियल जांच भी इसकी कराई जाएगी, तो जल्द ही DM कर्मेंद्र सिंह भी इसके लिए आदेश कर सकते हैं। तो अभी तक जो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता प्रशासन के लिए और जेल प्रशासन के लिए बनी हुई है वो कैदियों को ढूंढ कर लाना बनी हुई है, उसके लिए पुलिस लगातार दिन रात किए हुए है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
हरिद्वार की जेल में रामलीला के दौरान हड़कंप मच गया जब दो कैदी जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए। ये दोनों ही वानर सेना में अपना रोल निभा रखे थे। पुलिस दोनों कैदियों की तलाश में जुटी हुई है। रचना सारी मुझ में है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में कोई। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शुक्रवार की रात रामलीला का मंचन चला, जिसमें कैदियों को अपना हुनर दिखाने के लिए मंच दिया गया। जेल प्रशासन और दूसरे कैदी भी रामलीला देखने में व्यस्त थे। सब कुछ आयोजन के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे जेल में हड़कंप मच गया। रामलीला में हिस्सा ले रहे दो कैदी मौका पाकर फरार हो गए। दोनों सुग्रीव की वानर सेना में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वानर सेना सीता माता की खोज के लिए निकली थी, लेकिन इन दोनों शातिर कैदियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों जेल की ऊंची दीवार फांद कर भागने की प्लानिंग बना चुके थे। दोनों ने 22 फीट ऊंची दीवार को पार कर लिया और फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को दोनों के भागने की जानकारी मिली, वैसे ही वहां का माहौल एकदम से बदल गया। जिला प्रशासन इसे जेल प्रशासन की लापरवाही बता रहा है। ये दोनों कल यहां से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया अन्य कप्तान साहब ने, तो उसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहां से फरार हो गए। जेल से भागे अपराधियों का नाम पंकज और रामकुमार है। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। वही रामकुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। उसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो धारा संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना से तुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। दोनों फरार कैदियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इस घटना से जेल प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी सबसे पहले सुबह 11 बजे उधम सिंह नगर पहुंचेंगे, जहां पर किच्छा में बन रखे एम्स का निरीक्षण करेंगे और किच्छा में ही नागरिक अभिनंदन समारोह में भी भाग लेंगे। इसके बाद 1:30 बजे चंपावत पहुंचेंगे, जहां पर दशहरा महोत्सव में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से उत्तराखंड के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दशहरा पर्व पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि समाज आज भी कई रावण समाज में मौजूद हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सीएम ने कहा कि लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अपथूक जिहाद के कलंक से देवभूमि को मिटाकर ही दम लेंगे। भाई बहनों, विजयदशमी पर हमें हर पल यह याद दिलाता है कि अभी भी समाज के अंदर कई रावणों का संघार करना बाकी है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप, उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देहरादून जाएंगे और सीएम योगी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीएम योगी सीधे हिमालयन हॉस्पिटल जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां हिमालयन हॉस्पिटल में ही भर्ती हैं, अपनी मां से मुलाकात करेंगे। तो एक तरफ सरकार आदि कैलाश और कैलाश पर्वत के दर्शन को प्रमोट कर रही है, वहीं केदार बचाओ यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने लिपुलेख में प्रदर्शन की तैयारी की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उत्तराखंड की हर धार्मिक यात्रा का विरोध करना चाहती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
18,000 फीट की ऊंचाई पर 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने प्रदर्शन की तैयारी की है। कैलाश पर्वत दर्शन और आदि कैलाश का आखिरी पड़ाव लिपुलेख है। इसी लिपुलेख में धारचूला विधायक हरीश धामी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के साथ सीनियर नेता धरना देंगे। कांग्रेस की मांग है कि पिथौरागढ़ से गुंजी तक यात्री हेलीकॉप्टर से न जाएं, क्योंकि ऐसा करने से सड़क रूट पर पड़ने वाले कारोबारियों के बिजनेस पर असर पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के तमाम विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर होंगे और हरीश धामी जी की मांग का समर्थन करने के लिए पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी लिपुलेख में धरना देगी और सरकार का ध्यान वहां की उपेक्षा, जो सीमांत की उपेक्षा भाजपा की सरकार द्वारा की जा रही है, उस ओर ध्यान दिलाने के लिए धरना आयोजित किया जाएगा। आदि कैलाश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जहां यात्रियों की तादाद बढ़ी है, वहीं चीन में पड़ने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन भी भारत की सीमा से हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के धरने प्रदर्शन को बीजेपी ने धर्म विरोधी कदम बताया है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी यात्रा ठीक से चले। कांग्रेस नहीं चाहती कि देवभूमि की यात्रा का जो स्वरूप है वो विकसित हो और पहले केदारनाथ यात्रा, अब गुंजी की यात्रा को प्रोत्साहित करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। कम से कम प्रदेश स्तर अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति को इस प्रकार के छोटे विषय पर नहीं जाना चाहिए। 13 सितंबर को केदारनाथ में कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा पूरी हुई और अब आदि कैलाश यात्रा के पड़ाव लिपुलेख में धरने की तैयारी है। दोनों धाम भगवान शिव के हैं और इसीलिए धामों के नाम पर धरने प्रदर्शन को बीजेपी धर्म और राज्य विरोधी कदम बता रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। तेरह सौ से ज्यादा बसों के बेड़े वाले उत्तराखंड रोडवेज में 130 और नई बसें शामिल होने वाली हैं। बसों की पहली खेप भी आनी शुरू हो गई है। शनिवार को रोडवेज की पहली बस देहरादून पहुंच गई। दीपावली तक ज्यादातर बसें पहुंच जाएंगी। बताया गया कि ये सभी नई बसें पहाड़ के रूटों पर चलाई जाएंगी। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को बंद कर दिया गया है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने गंग नहर का पानी रोक दिया है। हर साल वार्षिक मेंटेनेंस के लिए दशहरा से दीपावली तक गंग नहर का पानी रोक दिया जाता है। नहरबंदी के दौरान यूपी सिंचाई विभाग की ओर से मेंटेनेंस का काम किया जाता है। वहीं इस बीच पश्चिमी यूपी में सिंचाई के लिए पानी और दिल्ली एनसीआर में पेयजल की किल्लत हो सकती है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तरी खंड गंग नहर को वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं हरिद्वार के शहीद भगत सिंह गंगा घाट पर मौजूद हूं। तस्वीरों में दिखाया जा सकता है कि किस तरह से जो गंग नहर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी चलता है, जो बड़ी ऊंचाई तक बहती है, इस वक्त कल देर रात इसको बंद कर दिया गया और ये गंग नहर का पानी सतह से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। जो पानी नज़र आ रहा है वो बहुत कम गंग नहर का पानी है और थोड़ी देर में ये पानी भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए हर साल गंग नहर को बंद किया जाता है। दशहरा की रात से छोटी दीपावली की रात तक गंग नहर को बंद किया जाता है। अब 30 अक्टूबर की रात को गंग नहर को फिर से शुरू किया जाएगा। इस बीच यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंग नहर में जो मेंटेनेंस के काम हैं वो किए जाएंगे और इस बीच गंग नहर बंदी के दौरान पश्चिमी यूपी में सिंचाई का काम और दिल्ली एनसीआर में पेयजल की किल्लत हो सकती है। न्यूज 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़े। इसमें 9 प्रोजेक्ट उत्तराखंड के हैं। गढ़वाल में करछा, मीन, गधेरा, घस्तौली और पागल नाला पुल शामिल है तो कुमाऊं मंडल में सुरिंगगाड़, चिमला, पैनागाड़, गोसीगाड़ पुल शामिल है। इसके साथ ही देहरादून में शिवालिक परियोजना के ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ। सीएम धामी ने इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया है। उत्तरकाशी में बीआरओ ने भारत चीन सीमा पर नेलांग घाटी में 65 मीटर लंबे डबल लेन स्टील गार्डर पुल को देश को समर्पित किया। पुल भैरों घाटी
और नेलांग घाटी के बीच बनाया गया है, जो कि सामरिक और पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क सहित संचार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए बीआरओ के 9 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। हमने इसे सितंबर 2024 में काम किया, इससे हमारा जो नेलांग वाइब्रेंट विलेज है, वो जडांग वाइब्रेंट विलेज है, वो हमारा कनेक्ट हो रहा है और इससे टूरिस्ट संभावनाएं काफी बढ़ जा रही है। माननीय राजनाथ सिंह जी का और अपने देश के सदस्य प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है कि हमारी सीमाएं, हम सीमाओं तक कैसे सड़क से पहुंचे। देहरादून के त्यूनी से खबर है, यहां पर शादी समारोह से लौट रही कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। त्यूनी थाना क्षेत्र में रायगी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। कार बेकाबू होकर रोड से 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। तीनों त्यूनी के ही रहने वाले बताए गए। विजयदशमी के पावन पर्व पर कल बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि और मुहूर्त को घोषित कर दिया गया। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और इससे पहले 13 नवंबर से कपाट बंद होने की पंच पूजाएं शुरू होंगी। आज सभा मंडल में धर्म अधिकारी ने तिथि घोषित कर दी है। चारधाम में बद्रीनाथ के कपाट सबसे आखिर में बंद होते हैं। निमिलन का जो मंगलक्षण मुहूर्त निश्चित किया जाता है, परंपराया विजयादशमी के दिन श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान के मंदिर परिसर में ही जो दरबार और सजाया जाता है, उस दरबार में बद्री कृष्ण के और देश विदेश से आए हुए समस्त श्रद्धालुजन एकत्रित होकर के इस क्षण के साक्षी होकर के और उन्हें सौभाग्य मिलता है इस क्षण का साक्षी होने का और भगवान के पावन कपाट निमिलन का मुहूर्त जो निश्चित किया गया 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर मिथुन नगर के प्रगोत्तम नवामोत्सव में और भगवान के पावन कपाट निमिलित किए जाएंगे। विजयदशमी के पावन पर्व पर कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। 2 नवंबर को 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं 3 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर 12:03 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें माँ यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे। पंच केदार में द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट 4 नवंबर सुबह 11 बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद श्री मदमहेश्वर भगवान की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होकर शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी और 23 नवंबर को मदमहेश्वर मेला आयोजित किया जाएगा। पंद्रह अक्टूबर से कॉर्बेट का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा और इसको खोलने को लेकर यहां इन दिनों तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मॉनसून सीजन में 3.5 महीने बंद रहने के बाद इसे फिर नए सत्र के लिए खोला जाना है। ऐसे में यहां पर सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने में कॉर्बेट प्रशासन लगा हुआ है। इन दिनों यहां की रोड को भी ठीक किया जा रहा है, क्योंकि मॉनसून सीजन में रोड ही सबसे ज्यादा डैमेज होती है।
आजकल उस जोन को खोलने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसके अंतर्गत जो हमारा स्वागत कक्ष है आमडंडा पे, उसकी रिपेयर और उसकी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। जो स्कैनर्स वगैरह जो वहां पर काम करते हैं उन सबको एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने का किया जा रहा है, और जो रोड्स वगैरह हैं जो भी पर्यटन मार्ग जो है उसको सुदृढ़ करने का, उसको अच्छा करने का प्रयास। अल्मोड़ा में करोड़ों साल पुरानी गुफाएं पर्यटकों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। यहां पर कसार देवी में 2.5 अरब साल पुरानी चट्टाने आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अल्मोड़ा का कसार देवी क्षेत्र धार्मिक और आध्यात्मिक के लिए पहले से ही काफी मशहूर है। हर साल यहाँ शांति, ध्यान और योग के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कसार देवी के पास ही पाटिया में करीब 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान भी है। इन चट्टानों के साथ ही इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जा रहा है। इस जगह पर लगातार भूवैज्ञानिक रिसर्च के लिए आ रहे हैं, जो कई दिनों तक यहाँ रुक कर इन चट्टानों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। खास तौर पे काफी ऐसे पृथ्वी परिवर्तन हुए जो इन जिनका की प्रमाण इन चट्टानों में ही मौजूद है, और जिसको वैज्ञानिक लोग समय समय पर अध्ययन करते हैं। और क्योंकि एक जीवन का परिवर्तन हुआ जो 541 वर्ष के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद, वो इसी काल में हुआ। राज्य सरकार कसार देवी क्षेत्र को मानस खंड के मंदिरों से जोड़कर पर्यटकों को और लुभाना चाह रही है, तो दूसरी ओर इन ऐतिहासिक चट्टानों और उसके पास स्थित वाटर वॉल को भी पर्यटन से जोड़ने की योजना बना रही है। देखिए, कसार देवी आध्यात्मिक में बहुत प्रसिद्ध स्थान है, और ये रेडिएशन भी वहाँ बहुत जाते हैं, तो बहुत लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। और ये जैसा कि आपने बताया कि ये जो चट्टान है 2.5 से 3 लाख साल पुरानी चट्टान है बरसों की, और निश्चित तौर पे इसको हम लोग पर्यटन से जोड़ेंगे। कसार देवी क्षेत्र के इस पर पहाड़ को जो है, जो चट्टान है, इसको 2.5 अरब साल पुराना बताया गया है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको जो है भूवैज्ञान के छात्रों और अध्ययन करने वाले लोगों के लिए संरक्षित किया गया है। DM ने भी अपील कर रखी है कि जो पर्यटक आते हैं वो जरूर इस जो है चट्टान को देखें, कि ये 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान है, और इसे जो है भूवैज्ञानिकों के लिए आप जो है संरक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाले लोग इसकी स्टडी करें और इसके बारे में जानें। किशन जोशी, न्यूज 18, अल्मोड़ा।